फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज की मूवी में हम एक आदमी की बात करेंगे जो बहुत ही सीधा और भोला है, पर जेल से निकलने के बाद वो उतना ही शातिर बन जाता है। आज की मूवी का नाम है हेनरी क्राइम। स्पॉइलर अहेड, कहानी एक अकेली शांत रात से शुरू होती है न्यूयॉर्क के एकांत में, जहाँ हम एक टोल बूथ देखते हैं। एक आदमी अपनी नाइट शिफ्ट में टोल कलेक्टर के रूप में काम कर रहा है। वह सुंदर है, उसका सीरियस फेस है और चारों ओर घूर रहा है। उसके आसपास की स्ट्रीट लाइट और व्हीकल उसके लिए कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। आखिरकार रात समाप्त हो गई है और इसी तरह उसकी शिफ्ट भी समाप्त हो गई है। वह उसी शांत सद्भाव के साथ घर जा रहा है। वह अब घर पर है। उसकी पत्नी उसे नाश्ता परोस रही है और वे एक दूसरे से बात करते हैं। उसकी पत्नी उसका नाम पुकारती है और पूछती है, हेनरी, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? वो बोलता है, बेशक मैं करता हूँ, लेकिन हेनरी ने अपने इमोशन नहीं बदले। उनकी बातों से पता चलता है कि डेबी, हेनरी की पत्नी, बच्चा चाहती है, लेकिन हेनरी, जबकि वह बच्चों से प्यार करता है और अपने खुद के बच्चे होने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। दरवाजे की घंटी बजती है और डेबी को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि गेट पर कौन है, क्योंकि उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हेनरी दरवाजा खोलता है और वह एंडी होता है। ऐसा लगता है कि हेनरी और एंडी की दोस्ती ज्यादा खास नहीं है। उसके साथ एक और आदमी है जो उल्टी कर रहा है और जमीन पर पड़ा है। वे उसे कमरे में लेके आते हैं। एडी ने हेनरी को बताया कि वे एक बेसबॉल मैच का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो कि बीमारी के कारण वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वह हेनरी को गेम में शामिल होने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लेयर शॉर्टेज है। लेकिन ये बेसबॉल गेम नहीं था, कुछ और ही था। वे ड्राइव करते हैं और जैसे ही हेनरी बेसबॉल के बारे में पूछताछ करता है, एडी जल्दी से रिएक्ट करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वे अगले बैंक पर रुके ताकि उन्हें बियर के लिए कुछ पैसे ले सके। एडी और हेनरी के अलावा दो और लोग हैं। जब हेनरी बैंक में जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसे कार में रहना और वो इंजन चालू रखे, और हेनरी ने नोटिस किया कि कार चोरी की है क्योंकि इंजन शुरू करने के लिए इंजन को डायरेक्ट जोड़ा हुआ था। एडी और उसके पार्टनर्स बैंक को लूटने के लिए एंटर करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी अलार्म बजता है। हेनरी की कार स्टार्ट होते ही बैंक कर्मचारी उसका पीछा करने लगते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पिस्टल निकाल ली। हेनरी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, उसने आराम से हाथ उठाया और सरेंडर कर दिया। निर्दोष हेनरी को एक ऐसे अपराध के लिए पकड़ा गया है जो उसने किया ही नहीं था। हेनरी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने कोई नाम नहीं बताया। अदालत में जहां जज ने डकैती के लिए हेनरी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है, हमारे शांत और गूंगे हीरो द्वारा सब कुछ पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, जैसे कि एक कोठरी या घर में रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब मैक्स खान के साथ एक सेल में है और वह एक अच्छा आदमी है। वे एक दूसरे को हेलो करते हैं और उसके जेल में आने का कारण पूछते हैं। मैक्स लगभग 50 साल का है, एक्सपीरियंस्ड है और जेल में आराम से है। वे दोनों दोस्त बन गए और मैक्स ने उसे जेल के नियमों के बारे में बताया और अन्य भयानक कैदियों से उसका इंट्रोडक्शन कराया। रात के खाने में पहली रात मैक्स ने बातचीत के दौरान कहा कि असली अपराध अपने सपनों के पीछे नहीं भागना है। जब वह हेनरी से उसके सपने के बारे में पूछता है तो वह इससे बेखबर होने का दावा करता है और सोचता है कि उसने कभी सपना देखा है कि नहीं। मैक्स को यह अजीब लगता है और सोचता है कि सपनों के बिना जीवन कैसा होगा। आप देखते हैं, मैक्स एक महान व्यक्ति है और वह हेनरी के दिमाग में एक भाव डाल रहा है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मनुष्य को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले उसके पास एक सपना होना चाहिए। फिल्म 6 महीने आगे जाती है। डेबी जेल में हेनरी से मिलने जाती है। वे अभी भी पहले दिन की तरह ही ठंडे मिजाज में हैं। डेबी वास्तव में यहाँ हेनरी को सूचित करने के लिए आई है कि वह अब जो से शादी करना चाहती है। वही आदमी जो शुरुआत में उल्टी कर रहा था, हेनरी मुस्कुराते हुए उसे बधाई देता है। एक और साल बीत गया। हेनरी को जेल की आदत हो जाती है। मैक्स वहां दूसरे कैदियों के साथ है, उनकी दाढ़ी बना रहा है और उन्हें कहानियां सुना रहा है। लेकिन हेनरी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, शायद इस गम में कि उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं है। लेकिन हम सब अपने हेनरी को जानते हैं, वह किसी भी बात को पर्सनली लेने वालों में से नहीं है। हेनरी अब परोल पर जा रहा है, लेकिन वह खुश नहीं दिख रहा है। अपने सेल रूम में वह मैक्स को अलविदा कहता है और बाहर चला जाता है। वह अनजान सा दिखता है कि उसे कहां जाना चाहिए, इसलिए वह डेबी और उसके पुराने घर की ओर जाता है, जो उसका स्वागत करता है और हेनरी को एक विजिटर की तरह मानते हुए उसने जो उसके लिए किया उसके बारे में बेपरवाह दिखाई देता है। वह उस घर में मेहमान है जहां वह पहले रहता था। डेबी उसकी पत्नी थी, लेकिन जैसा उसके भाग्य में है, वह अब एक अजनबी है। शांत रहते हुए डेबी उसे बियर परोसती है। वह प्रेग्नेंट है। ये देख के हेनरी को झटका लगा, जो पुलिस को उसके बारे में नहीं बताने के लिए हेनरी को थैंक यू करना चाहता था। हेनरी अंदर ही अंदर गुस्से से बताता है कि उसे पता नहीं था कि उसका नाम क्या था। हेनरी अब बेघर और बेरोजगार है। मैक्स ने उसे एक फिलॉसफी सिखाई थी, यदि आप किसी चीज को लेके उसके रिजल्ट्स के लिए तैयार नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो वह अब उस बैंक के सामने खड़ा है जहां एक बार उस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया था।
एक कार उसके हिप्स पर टकराती है। इस सीन में जूली इवानोवा का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है, जो एक लोकल एक्ट्रेस है जो अपने एड्स के लिए फेमस है और जो प्रेजेंट में लोकल थिएटर में चेरी ऑर्चर्ड शो एक्ट कर रही है। जूली एक दयालु और नेक लेडी है। वह हेनरी पर ट्रैफिक के बीच खड़े होने के लिए चिल्लाती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। जूली एक्टिंग कर रही है जैसे कि वह खुद पर मुकदमा नहीं करवाना चाहती थी। फ्रैंक, सिक्योरिटी गार्ड जिसने हेनरी को पकड़वाया था, अब उसकी हेल्प करता है और उसे बैंक रोबर के रूप में पहचानता है। जैसा कि वे कैफे में जाते हैं, जूली रिहर्सल के लिए जाने से पहले उन्हें एक कॉफी खरीद के देती है। कैफे में हेनरी ने जूली को टेलीविजन पर एड से पहचाना। ऐसा लगता है कि फ्रैंक अब पहले जैसा नहीं है। जब जूली और फ्रैंक ने अपनी कॉफी खत्म कर ली तो हेनरी बाथरूम में चला गया। कैफे के टॉयलेट में पेशाब करते समय हेनरी ने दीवार पर पोस्ट किए गए एक पुराने आर्टिकल को नोटिस किया, जो बताता है कि कैसे शराबबंदी के दौरान एक सुरंग ने एक बार थिएटर को बैंक के वॉल्ट से जोड़ा, उस थिएटर से जहां जूली और दूसरे एक्टर सह नाटक के लिए रिहर्सल कर रहे थे। हेनरी कुछ सोचते हुए अखबार पढ़ रहा है। अब हेनरी के लिए क्राइम करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले हेनरी मैक्स को सूचित करने के लिए जेल जाता है कि उसने आखिरकार अपने सपने को खोज लिया है। मैक्स हैरान है। वह अचानक सवाल करता है कि बैंक लूटना और फिर जेल में किसी को इसके बारे में बताना कैसा सपना है। वह उसके इस प्लान को तुरंत खारिज कर देता है। ये बताता है कि जेल उसका घर है और वह केवल बैंक लूटने के लिए बाहर नहीं आएगा। हेनरी उसे बोलता है कि वह अपना पूरा जीवन जेल में नहीं बिता सकता और दुख में नहीं मर सकता है। इसके अलावा वह मैक्स को मनाने की कोशिश करता है कि वह वॉल्ट में घुसने के लिए उसकी मदद चाहता है। हेनरी उसे मनाने में सफल होता है और दो दोस्त एक फ्लैट को शेयर करते हैं। वे उस कैफे में जाते हैं जहां हेनरी ने अखबार देखा था और मैक्स ने नोटिस किया कि नक्शा 80 साल पुराना है क्योंकि बैंक का इंटीरियर बदल गया था। पता लगाने के लिए उन्हें पहले बैंक और फिर थिएटर जाना पड़ेगा। बैंक में मैक्स मैनेजर को बातों में फंसाता है और उससे ये पता लगाने में मदद करता है कि क्या वहां अभी भी एक सुरंग है। फिर वे थिएटर जाते हैं जहां मैक्स 30 साल पुराना कलाकार होने का नाटक करता है। हेनरी ने उसे जूली से मिलवाया और जूली की सहायता से मैक्स पूरे थिएटर को घूमता है। उसने एक मैनेजर से बात की जो सुरंग के बारे में जानता था। मैनेजर बताता है कि सुरंग को बंद कर दिया गया है और अब उनके पास उसकी जगह उनके एक कलाकार लोपाकिन का ड्रेसिंग रूम है। हेनरी जूली से डेट के लिए पूछता है। हेनरी उसे थोड़ा अपने बारे में बताता है और वे डेट के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट को चूज करते हैं। वे बाहर जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। हमारा इमोशनलेस हीरो जूली के साथ लवली वाइब महसूस कर रहा है और उसे इन सब में अच्छा लग रहा है। मैक्स फैसला करता है कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए। वह कलाकारों में से एक को प्ले छोड़ने के लिए भी मना लेता है ताकि हेनरी उसकी जगह ले सके। अब हेनरी को वॉल्ट में घुसने के लिए एक एक्टर होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो गुस्सेल डायरेक्टर को राजी करने में कामयाब होते हैं, जो रिहर्सल टाइम में जूली को लेक्चर देता रहता है कि वह एक खराब एक्ट्रेस क्यों है। मैक्स का मानना है कि हेनरी एक नेचुरल एक्टर है। इस तरह उसे भरोसा है कि लोपाकिन हेनरी के लिए कोई समस्या नहीं बनेगा। और हाँ, हेनरी ने खुद को साबित किया। फालतू की बातों से निकलते हुए हेनरी और मैक्स अंदर हैं। वे ड्रेसिंग रूम की दीवार को चकनाचूर कर देते हैं जहां सुरंग है। लेकिन क्योंकि सुरंग रेत से भरी हुई है, उन्हें अब इसे खोदना होगा, जिसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति की मदद उन्हें चाहिए होगी। इसलिए वे जो के पास जाते हैं, जो एक बार में शराब पी रहा है। वह अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। हेनरी उसकी मदद करता है और उसे नौकरी प्रदान करता है, इसलिए तीनों खुदाई शुरू करते हैं। मैक्स और जो लगातार टनल में काम कर रहे हैं, जबकि हेनरी को भी रिहर्सल में शामिल होना है। काम लगातार स्मूथली चल रहा है, पर एक रात फ्रैंक ने उन्हें रोका और उन्हें बताया कि वह लगातार उन्हें देख रहा है कि वो लगातार बैंक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे झूठ बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें बताता है कि वह उनके प्लान से अवेयर है और इसका हिस्सा बनना चाहता है। फ्रैंक इनसाइडर खेलना चाहता है और उन्हें बताता है कि महीने का करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, जिससे बैंक में मिलियंस में डॉलर्स है और वह इसमें हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि वो रिटायर भी हो रहा है। चोरी में शामिल होने के लिए फ्रैंक की कहानी दर्द भरी है। जब उसकी पत्नी मर रही थी तो बैंक ने उसे कोई मदद नहीं दी और उसे अकेला छोड़ दिया, तो वे उसे भी ग्रुप में लेते हैं। लेकिन रुकिए, टीम अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी एक बुरा आदमी बचा है, एडी, जो नशे में था, उसे एक रात लेके आता है। वह टीम में रहना चाहता है पर खुदाई करने से इनकार करता है। मैक्स गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे भी ग्रुप में लेते हैं। रिहर्सल के दौरान जूली गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है क्योंकि डायरेक्टर ने उस पर एक्टिंग नहीं करने का आरोप लगाया जो उसे पसंद नहीं आया। हेनरी उसे मनाने जाता है और तभी वह कहता है कि वह चेरी ऑर्चर्ड शो की ओपनिंग नाइट के दौरान जाने वाला है। क्योंकि हेनरी अब नाटक में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बिना नाटक की शुरुआत मुश्किल है। इससे जूली और भी दुखी हो जाती है। वह उस पर चिल्लाती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। शो की ओपनिंग नाइट के दौरान हेनरी बैंक की वॉल्ट में जाने का प्लान बनाता है, जिसे वह नाटक के बीच में सहायता करेगा और कोई नोटिस नहीं करेगा। वॉल्ट में प्रवेश करने के लिए वेल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल करने में एडी मदद करता है।
क्योंकि एडी ही अकेला है जो तिजोरी में प्रवेश करने और जरूरी मशीनरी का उपयोग करने के बारे में जानता है। अंत में एडी की सहायता से वे दूसरी तरफ की तिजोरी तक पहुंच गए हैं। हेनरी शो में एक्ट कर रहा है, लेकिन वह इंटरवल के बीच जाता रहता है। उन्होंने नोटों को बैग में रखा और लोपाकिन के कमरे में ले गए। कमरे में एडी पुराने एडी में बदल जाता है और मैक्स को रिवॉल्वर से धमकाता है, जबकि जो को कार में बैग ले जाने का ऑर्डर देता है। वह रुपये लेकर अपने पास रखना चाहता था। हालांकि हमारे ठग ने अब एडी को जमीन पर गिराकर अपनी ताकत दिखाई। तीनों ने कार में कैश डाला, ड्राइव किया और हेनरी ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा ताकि वह रुक सके और सोच सके। वह महसूस करता है कि वह जूली को वहां नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह थिएटर के अंदर वापस चला जाता है जहां जूली चेरी ऑर्चर्ड के अंतिम दृश्य में एक्ट कर रही है। हेनरी अंदर आता है और अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है। वह रिक्वेस्ट करता है कि जूली उससे मास्को में मिले और उसे आखिरी किस करता है और चला जाता है। हेनरी का क्राइम फीलिंग्स पर कंट्रोल और फीलिंग्स को महसूस करने के बीच की कड़ी के बारे में है। हेनरी के पास दिशा की कमी थी और एक मनहूस नाखुश शादी का नेतृत्व किया, लेकिन फिर वह अपना अपराध करने के लिए मजबूर महसूस करता है। शायद ये कुछ ऐसा है जो उसमें एक सिस्टमेंट लाता है। हेनरी एक जोखिम लेने वाला है और जब वह जूली से मिला और उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करना शुरू किया तो उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। जूली के साथ हेनरी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है।